Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Akanksha and you are watching Glam with Kuku. So कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. So as you know, दिवाली is coming up. So सब लोग बहुत ही धूमधाम से तैयारी कर रहे होंगे, अपने घर को सजा रहे होंगे. So जब हम लोग इतनी तैयारी कर ही रहे हैं, So अपने आप को भी सजाना बिल्कुल नहीं भूलना है. इसलिए मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आज ये दिवाली का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक. So चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. एंड मेरी वॉइस को आप ज़्यादा माइंड मत करिएगा, बिकॉज मुझे फीवर है एंड मुझे कोल्ड भी हुआ हुआ है. दैट्स वाई मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आ रही है. सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र टू मॉइस्चराइज़ माय फेस एंड अपने फेस पे इसको बहुत ही अच्छे से मसाज कर लूँगी. देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा प्राइमर. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर. एंड अपनी स्किन पे मैं एक पतली से लेयर क्रिएट कर ले रही हूँ हल्के हाथों से अप्लाई करके टू प्रोटेक्ट माई स्किन. आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की आईब्रो पेंसिल. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईब्रो पेंसिल है, बिकॉज इसकी एक साइड हमको स्पूली ब्रश भी मिलता है एंड दूसरी साइड हमारी पेंसिल होती है. सो लाइक ये इजी टू कैरी है, हमें अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही चीज़ में हमारे दोनों काम हो जाते हैं. पहले हम अपनी आईब्रो पेंसिल अप्लाई करें, देन उसके बाद हम उसको ब्रश करके स्प्रेड कर सकते हैं ईजिली, ताकि हमारी आईब्रोज नेचुरल लगे. सो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो. आफ्टर दैट हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन फिटमी का कंसीलर एंड दैट फ्लैट ब्रश एंड अपनी आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर लूँगी बहुत ही अच्छे से. यहाँ पे मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. सो फर्स्टली आपको ऐसे कंसीलर अप्लाई कर लेना है, देन उसके बाद आपको उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर. ब्रश से अपनी आईब्रोज को शेप देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका मेकअप इतना ज़्यादा खास नहीं लगेगा, बिकॉज आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं हमारे मेकअप के अंदर. सो उनको शेप ज़रूर देना है ब्रश की हेल्प से. बिल्कुल इस तरह आपको आउटलाइन करनी है अपनी आईब्रोज की. आफ्टर यूजिंग कंसीलर आपको सेट जरूर करना है एनी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से या फिर लूज पाउडर की हेल्प से, तभी उसके बाद आप अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लिया है एंड नाउ माई आईज आर रेडी टू डू आई मेकअप. नाउ इट्स टाइम टू डू आई मेकअप. एंड एज अ ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने ऑरेंज शेड यूज करा है. आपने मोस्टली नोटिस करा होगा मैं अपने हर आई मेकअप में मोस्टली ऑरेंज ही कलर यूज़ करती हूँ एज अ ट्रांजिशन कलर, बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आपको इसी तरह एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ऐसे ब्लेंड कर लेना है अपने ट्रांजिशन एरिया में ओनली. अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आई मेकअप को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, सो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं एंड आप स्टार्टिंग से आई मेकअप का ए से लेकर जेड तक सीख सकते हैं. बहुत ही बेसिक्स मैंने बताए हैं. नाउ आई एम यूजिंग दैट शेड एंड मैं अपनी आईज पे ये शिमरी शेड है. सो मैं इसको ओनली सिर्फ इसी को यूज करूंगी, मुझे इतना इनफ लगा. तो मैंने ज्यादा हैवी आई मेकअप नहीं कैरी करा, इतना मुझे इनफ लगा. देन मैंने उसके बाद इसे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ट्रांजिशन कलर के साथ मिक्स कर लिया था, ताकि अलग अलग ना दिखे हमारा ट्रांजिशन कलर एंड शिमरी आई शेडो. इसके बाद मैंने यूज करा लैक में एब्सोल्यूट का लाइनर. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइनर है, लगाते ही सूख जाता है एंड मैट फिनिशिंग देता है हमको. साथ में ही ये वाटर प्रूफ भी है, सो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लाइनर. इसके बाद मैंने यूज़ करा सोल्ट्री का आयुर्वेदिक काजल एंड यहाँ पे हमारा आई मेकअप लास्ट में हम इसको फिनिश टच भी देंगे. एंड अब आई एम यूजिंग मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन इन दी शेड 332 गोल्डन कैरेमल एंड अपने पूरे फेस पे मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी, डॉट डॉट ऐसे बना लूँगी, ताकि मेरे पूरे फेस पे इक्वली हमारा फाउंडेशन स्प्रेड हो जाए. आफ्टर दैट आपको इसको ब्लेंड कर लेना है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन ब्रश, जो भी आपको सही लगे, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको सही लगे. फॉर मी ब्यूटी ब्लेंडर्स आर दी बेस्ट, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी तरह वर्क करते हैं. एंड अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी, आप ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें. ओपन एरियाज पे आपको फाउंडेशन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई कर देता है. वो फेस पे तो मेकअप कर लेते हैं बट ओपन एरियाज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे होता ये है कि लोगों को लगता है उन्होंने कितना ज़्यादा मेकअप कर लिया
एंड वो लोग मजाक भी बनाते हैं। कंटूरिंग के लिए आई एम यूजिंग एले गर्ल का दैट डार्क वाला कंसीलर एंड मैं इसे कंटूरिंग कर लूंगी। यू कैन सी दिवाली वाला मेकअप है, सो ऑब्वियसली हमारा मेकअप बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होना चाहिए, लाइक हमारा फेस हाइलाइटेड लगना चाहिए पूरा एंड बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस अलग से दूर से नजर आना चाहिए। एंड यू नो दिवाली हम लोग रात में ही मनाते हैं, सो आपको पता होगा कंटूरिंग रात के मेकअप में जो लाइक लुक प्रोवाइड करती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। सो आपको कंटूरिंग ज़रूर करनी है। जो जो चीज़ें हम एक नाइट मेकअप में करते हैं बस वही चीज़ें हमको यहाँ भी करनी है। फिर आपको कर लेना है इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड, अपनी स्किन में एकदम मर्ज कर लेना फाउंडेशन के साथ। अलग से आपकी डार्क लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए, आपके फेस पे ऐसा लगना चाहिए लाइक ऐसे शेड प्रोवाइड हो रहा है। कंटूरिंग के बाद आपको यूज़ करना है कंसीलर। हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन फिट मी का कंसीलर इन द शेड 15 एंड आपको इस तरह से अपने हाइलाइटेड पार्ट्स पे अप्लाई कर लेना है कंसीलर, ताकि आपका फेस फ्लॉलेस लगे मेकअप के बाद, बहुत ही प्यारा लगे हाइलाइटेड सा, अलग से ही चमके एकदम दिवाली की तरह। बेस को सेट करने के लिए आपको यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर एंड अपने बेस को सेट कर लेना है जल्दी से ब्लेंड करने के बाद। एक ब्यूटी ब्लेंडर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर हाइलाइटेड एरियाज के लिए, क्यों बहुत ही अच्छे से पैक हो जाए पाउडर की हेल्प से। देन बाकी के फेस पे जहाँ पे हमने कंटूरिंग करी थी वहाँ पे मैं ब्रॉन्जर की हेल्प से सेट कर लूँगी उसको भी। यू कैन सी ऐसे आपको जहाँ जहाँ पे आपने कंटूरिंग अप्लाई करी थी आप वहाँ सेट कर लेंगे इसकी हेल्प से। एंड यहाँ पे मैंने कलर सेंस का ब्रॉन्जर यूज़ करा है। ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दैट शेड फ्रॉम माई शेडो पैलेट एंड यू कैन सी ब्लश लगाने के बाद एकदम बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। अब आपको लेनी है आई शेडो एंड ये ब्रश एंड इसकी हेल्प से हम अपने काजल को मर्ज कर लेंगे आई शेडो के साथ, ताकि हमको एक स्मोकी सा इफेक्ट मिले। के लिए आई एम यूजिंग मास्टर क्रोम का दैट हाइलाइटर एंड अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है आपको हाइलाइटर। यू कैन सी आपको नोज़ पे अप्लाई करना है, चिन पे अप्लाई करना है एंड अपनी लाइक चिक्स पे अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। अब मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आई लैशेज एंड आफ्टर दैट इट्स टाइम टू यू यूज लिपस्टिक, फाइनली मेरा फेवरेट वाला पार्ट। सो फर्स्टली मैंने ये लाइट सा शेड अप्लाई करा था, बट आफ्टर दैट मुझे लाइक इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे लगा शायद मुझे थोड़ा और बोल्ड लुक प्रोवाइड करना चाहिए, सो इसके बाद मैंने इसको रिमूव करके रेड लिपस्टिक यूज़ कर ली थी, बिकॉज मुझे रेड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लग रही थी दिवाली के मेकअप के अकॉर्डिंग। बट आप चाहें तो आप इन दोनों में से कोई सा भी शेड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। यूज़ करूँगी ऑरेंज ग्लिटर एंड अपने इनर कॉर्नर्स के इसको पास लगाऊंगी, ताकि दिवाली की तरह मेरा फेस भी बहुत ही ज़्यादा शाइनी लगे, चमके दूर से ही मेरी आईज। तो यहाँ पे हमारा दिवाली मेकअप लुक होता है ख़त्म एंड आई होप आपको ये दिवाली मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आप लोग की दिवाली की तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। सो चलिए आप दिवाली बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर।